बिस्मिल्लम असल दोस्तों नबी का सिलसिला चल रहा है और हम इस्लाम से पहले के अरब की बात कर चुके हैं कि इस्लाम से पहले अरब के हालात क्या थे आज की वीडियो में हम बात करेंगे नबी करीम वसल्लम की विलादत बात की और आपकी विलादत के अलावा आपको मुख्तसरन आपके परदादा और आपके दादा हजरत अब्दुलमत और उनकी जिंदगी के हालत वाक़ात के बारे में भी बताएंगे याद रहे कि हमारे रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद की विलात मौसम बहार में पीर के दिन के बाद आफ्ताब से पहले सने्यामफील पांच सौ इकहत्तर ईसवी को मक्का मुक्रमा में हुई पीर का दिन आप सल्हम की मुबारक जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है सगदाना इबन अब्बास रजी तन फरमाते हैं क्या पी के दिन पैदा हुए पीर के दिन ही आपको नबूवत से सरफराज फरमाया गया सोमवार को मक्के से मदीना हिजरत करने के लिए निकले सोमवार ही को आप मदीना मरबर तशरीफ लाए और आप अलैहि वसल्लम ने पीर ही के दिन को इस दारे फानी को खैर आबाद कहा आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर खाना काबा ले गए आपके लिए दुआ की और मोहम्मद सल्ला नाम रखा पोते की पैदाइश की खुशी में सातवें दिन अपने कबीले की दावत की लोगों ने आपके दादा से पूछा कि नौलूद का नाम दूसरी लोगों जैसा क्यों नहीं रखा उन्होंने जवाब दिया मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ और तोसीक़ हासिल करे आपकी वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बात के बारे में हम मजीद तफसील से बात करेंगे लेकिन इससे पहले आपको नबी अकरम के परदादा और आपके दादा की जिंदगी और इनके हमीदा साफ़ के बारे में बताते हैं दोस्तों वाक का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है अगर आप हमारे चैनल जमा वॉयस की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे प्यारे दोस्तों याद रहे कि हमारे प्यारे अलैहि वसल्लम हजरत इसमाईल सलाम की औलाद में से हैं। आपको बताते चले की इसमाइल की खातिर जब अल्लाह तला नेमसम का कुआ जारी किया तो कबीला जरहम और कयात के खाना बदोश सदा हाजरा की इजाज़त ऐसी वहाँ आकर रिहाइश पजीर हुए काबे के मतवली इस्माइल सलाम और उनकी औलाद रही एक अरसे के बाद बनु जरहम और सगीदना इस्माइल की औलाद में काबे की तौली के सिलसिले में झगड़ा हुआ तो काबे की खिदमत और तौलियत और इस्माइल तोलाद जरहम में तकसीम हो गई और जब बनु खजाया ने लड़कर मक्के पर कब्जा किया तो एक मदत तक काबे की तौलीत भी उनके पास रही लेकिन बनु इसमाइल बहरहाल मक्के ही में रहे उनके एक फर्द गुलाब ने शुमाली अरब में कबीला खजाया में शादी की इससे कसी पैदा हुए जो जवान होकर अपने कबीले में वापस आ गए खुसर की वफ़ात के बाद कसी ने अपने नौनेहाल की मदद से बन खजाय को मजबूर किया कि शहर छोड़कर मुजाफात में जा बसा बनु खजाय के सरदार ने काबे की कीमती चढ़ावों को जमजम के कुएं में डालकर उसको फाड़ दिया और कुआं गायब हो गया फिर कसा को बहुत बड़ा इकतदार हासिल हुआ उसकी औलाद फली फूली और उसे कौम का बहुत बड़ा सरदार तस्लीम किया गया कसा ने मक्के में एक शहरी ममलिकत का आगाज किया वहां दारुन नदू यानी पार्लियामेंट और टैक्स के नए महकमे कायम किए लेकिन वफात के वक्त हुकूमत अपने बच्चों में तकसीम कर दी किसी को काबे की रखवाली सौंपी किसी को चाबी दी किसी को फौज की क्यादत तो किसी को टैक्स का हिसाब किताब बाद की नस्लों में इंतजाम की मजीद तकसीम दर तकसीम हुई जिसकी तफसील हम गुजश्ता चुके कहा जाता है की आगाज इस्लाम के वक्त वहाँ दस सरदारों की एक मजलिस कार फरमा नजर आई कसा के चार बेटे थे उनमें उनमे मनाफ बड़े नामवर और साहिब इज्जत हुए मनाफ के भी चार बेटे थे उनमें हाशिम शोहरत में सबकत ले गए और याद रहे कि हाशिम आपके परदादा थे बहुत दौलतमंद होने के साथ साथ सखावत मुरत और एहसान में भी वे मिसल थे हाशिम कहलाने की वजह ये थी कि उनके अहद में एक मरतबा मक्का मुकरमा में कहते बढ़ गया ये फलस्तीन गए और ऊँटों और पर आटे की बहुत सी बोरिया लाद लाए बहुत से ऊँट से बाह किए उनका शोरबा तैयार किया रोटियां पकवाई इन रोटियों को शोरबे में भिगो भिगो कर अहले शहर को खिलाते रहे अरब इस खाने को हशीम और सरीद कहते हैं ये सिलसिला एक मुद्दत तक जारी रहा इसी वजह से उनका नाम हाशिम बढ़ गया और हाजियों की खिदमत और मेहमान नवाजी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते इसी सखावत और फयाजी से हाशिम का नाम पूरे अरब में मशहूर हो गया कहते हैं कि जती असरसूख और वजाहत की वजह से इनके दूसरे मुमाले के ममालिकारों में भी रसाई थी और उन्होंने ही कुरैश में सबसे पहले ये दस्तूर जारी किया कि साल में दो मरतबा तजारी काफिला लेकर रवाना हो मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ चुनाचे इसी दस्तूर के मुताबिक दोनों मौसमों में काफिला रवाना होते थे सुरह कुरैश में अल्लाह ताला ने कुरैश की यही इनाम याद दिलाया अल्लाह की रहमत से मौसम सरमा और गर्मा के आदि हो गए उनकी समझ में ये बात आ गई कि इस नेमत के शुक्र में अल्लाह की इबादत करना चाहिए जो इस घर का मालिक है और उसने उन्हें भूख में खाना दिया और खौफ ऐसी अमन बख्श दिया नज्जा शी शाहज शाशिम की बेहद खातिर मदारत करता और तफे तहफ भी पेश करता कैसर रोम भी उनकी बहुत मेहरबानी से पेशा था हाशिम ने यमन और रोम की हुकूमत से कुरैश के तजारती काफिलों की हिफाजत का काम हासिल किया और ये उनकी आला तदबीर का नतीजा था कि तमाम रास्ते कुरैश के तजारती काफिलों के लिए महफूज हो गए इस तरह मक्का मुकरमा बैन अवी तजारत का मरकज बन गया इससे खाना कबा की ज्यारत और फरीजा हज आम हो गए और मक्की जुबान भी मुल्क के चारों तरफ समझी जाने लगी इन कुरैशी काफिलों और सालाना मेलों की वजह से जजिया नुमा अरब में एक मुआशी मरकज पैदा हो गया इन सालाना मेलों में कुरैश को सरमाया दारा तजारत और काफिलों की हिफाजत के सिलसिले में बहुत अहमियत हासिल थी इस तरह मक्का तजारती मरकज बना जिसने सियासी मरकजियत का रास्ता भी खोला जो इस्लाम का कारनामा बनने वाला था एक सौ सत्तानवे ईस्वी के चंद माह बाद हाशिम की बीवी सलमा बिनते अमर के हाँ मदीना मुनवरा में शेबा बिन अब्दुल मुतलब पैदा हुए बच्चे के सर में कुछ बाल सफेद थे इसलिए इसका नाम शिबा रखा गया शिबा का मतलब है बूढ़ा हाशिम की वफात के बाद जिम्मेदारियां उनके भाई मुतलब ने संभाली गोया मुतलब शिबा का चचा था उनकी वफा के बाद शिबा यानी अब्दुल मुतलब ने रफादाय सकाया यानी हाजियों को खाना खिलाने और पानी पिलाने की जिम्मेदारी खूबी से संभाली उन्होंने हबशा और यमन के दरबारों में अपने कौम की नुमाइंदगी भी की उनकी मलकियत में एक कुदरती चश्मा भी था एक खाब में उन्हें एक इशारा मिला की फलां जगह खोद कर एक गायब शुदा जमजम का कुआ बरामद करें खोदते वक्त उससे उन्हें दफन शुदा खजाना भी मिला जो काबे के चढ़ावों पर मुश्तमिल था याद रहे कि अब्दुल मुत्तलिब को जमजम की मलकियत के लिए बहुत दुश्वारियां पेश आईं मगर अहलर अमन पसंद थे उन्होंने तय किया कि किसी गैर जानबदार हाकिम से फैसला करा लिया जाए अब्दुल मुतलब ने यह बात मान ली लेकिन परेशान भी थे इसलिए मन्नत मांगी कि अगर अल्लाह ने मुझे दस बेटे दिए और वो बलूकत को पहुंचे तो मैं उनमें से एक को काबे में जाकर अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा जब दसवा बेटा भी बलूकत को पहुंच गया तो अब्दुल मुत्तलिब को मिन्नत याद आई उन्होंने बेटों के दरमियान कुरा डाला और के जिसका नाम निकले उसे कुर्बान कर दें नबी अक्रम के वालिद अब्दुल्ला के नाम निकला अब्दुल मुत्तलिब का इरादा देखकर रिश्तेदारों और दोस्तों ने दखल अंदाजी की और उन्हें मशवरा दिया कि वो किसी खातून अराफा के पास जाकर हल दरियाफ्त करें चुनाचे अब्दुल मुतलिब एक अराफा के पास गए उसने मामला सुनकर मशवरा दिया कि बेटों और दस ऊंटों के दरमियान कोरा डालो अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो मजीद दस ऊंट बढ़ा दो इस तरह खून बहा की मकदार में इजाफा करते जाओ यहाँ तक के कुर खून बहा पर निकले उन्होंने कुरन अंदाजी शुरू की कोरा हर बार अब्दुल्ला के नाम पर निकलता ये दस ऊंट हर बार बढ़ाते गए जब सौ ऊंट पूरे हो गए तब कुरा ऊंटों के नाम पर निकला अब्दुल मुतलब ने तीन बार ऐसा किया ताकि इतमान हो जाए हर बार सौ ऊँटों पर ही कुरा निकला अब उन्हें इतमैनान हो गया कि यही अल्लाह को मंजूर है, चुनाचे उन्होंने सौ ऊँटों की कुर्बानी की। दोस्तों आपको बताते चलें कि जमजम के कुएं की मलकियत हासिल करने के अलावा अब्दुल मुतलिब की जिंदगी का दूसरा अहम वाक़ अब्रहा का बैतुल्लाह पर हमला है तारीख में उसको वाकया फील के नाम से याद किया जाता है याद रहे कि अब्रहा एक ईसाई सरदार था शाह हबशा नजाशी की तरफ से यमन का हाकिम था उसने देखा कि अहले अरब हज के लिए मक्का जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं तो उसने ईसाई मजहब के नाम पर यमन के शहर सनाआ में एक आलिशान गिरजा बनवाया अरब में इस गिरजे की खासी खबर मशहूर हुई कबीला कनाना का एक आदमी वहां गया और गिरजे में गंदगी फैलाकर भाग गया ने गुस्से में आकर कसम खाई कि काबे को ढाकर दम लेगा चुनाचे वो लश्कर जर्रा लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ रास्ते में अरब की जिस कबीले ने भी मुजामत की अब्रेहा ने उसे कर डाला यहाँ तक के वो मक्का मुजमा के करीब पहुँच गया वहाँ के लोगों को अपने इरादे से खबरदार करने के लिए उसने अहले मक्का के जानवर पकड़ लिए इन जानवरों में अब्दुल मुतलिब के दो सो ऊंट भी थे अब्दुल मुतलिब को अब्रहा की चढ़ाई की खबर मिली तो वो खाना काबा की दीवारों से लिपट गए और रो पड़े अल्लाह से अल्लाह के घर की हिफाजत की दुआ की कुरैश के चंद सरदारों को लेकर अब्रहा गए और उससे अपने ऊँटों की वापसी का मुतालबा किया अब्रा की बात सुनकर हैरान हुआ और बोला तुमने अपने ऊँटों की वापसी की तो बात की है काबे के एक लफ्ज भी नहीं बोला मैं तो यहाँ काबे को उठाने के लिए आया हूँ अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया ऊँट मेरी मलकियत है इसलिए उनकी रिहाई कल लिए चला आया काबे का मालिक अल्लाह है जो अपने घर को बचाने के लिए पूरी ताकत रखता है अब्रहा ने इन ऊँटों की वापसी का हुक्म दिया और अपने ऊँट लेकर मक्का मौजुमा वापस आ गए साठ सत्तर हजार का लश्कर था और उसमें नौ या तेरह हाथी थे इस लश्कर ने आकर मक्के पर चढ़ाई की लश्कर मक्के के नजदीक पहुंचा तो महमूद नामी हाथी ने मक्के में दाखिल होने से इनकार कर दिया और वहीं बैठ गया ऐसे में अचानक हिजरे कुलजम की तरफ से परिंदों का टड्डी दल नजर आया उनके पंजों और चूंचों में कंकरियां थीं, जिन सिपाहियों पर वो कंकरियां पड़ी उनके आजाद कटना शुरू हो जाते इन कंकरियों के गिरने से अब्रहा की फौज और हाथियों का जो हशर हुआ वो बिला शुबा तारीख आलम का एक खैरतनाक वाक है खुद अब्रहा मुश्किल से गिरता पड़ता सना पहुंचा और नहाय दर्दनाक आजाब में गिरफ्तार होकर यमन में मरा याद रहे कि अरबों के यहाँ इस साल को आमुल फील कहते हैं एक मुद्दत तक यही तकवीमी साल शुमार होता रहा कुरान करीम में यह साल सोरे में इस तरह बयान हुआ है क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे फिर उनका हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भुस दोस्तों तारीखी कुतब में आता है कि वाकफील के 50 पचपन पच्च दिन बाद अब्दुल मुतलिब काबे का तवाफ कर रहे थे क्यों उन्हें पोते की बिलादत की खुशखबरी मिली पचहत्तर साल दादा बहुत खुश हुए नबी करीम उनके प्यारे फर्जन जनाबे अब्दुल्ला की यादगार थे जिनकी जिंदगी ऊँटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी लेकिन फिर अचानक वो फौत हो और उनकी से पूरे बाप को जो सदमा पोते की फिलादत से एक तक वो कम हो गया अब्दुल्ला की बालिदा यानी नबी करीम की दादी का नाम फातिमा बिंदे अमर था अब्दुल्ला के दो सगे भाई जुबैर और अबू तालिब थे बीबी आमिना से निकाफ के बाद अब्दुल्ला ने रवाज के मुताबिक तीन दिन तक ससुराल में क्या किया जिसके बाद तजारत की गर्ज से शाम चले गए वापसी पर यसरब यानी मदीना मुनवरा में ठहरे ताकि अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करें मदीना मुनवरा में क्या के दौरान वो बीमार हो गए आपकी बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन अपने बड़े बेटे हारिस को अब्दुल्ला की खबरगिरी के लिए मदीना रवाना किया हारिस पहुंचे तो मालूम हुआ कि एक माह बीमार रहने के बाद अब्दुल्ला इंतकाल कर गए हैं इंतकाल के वक्त उन्होंने पाँच ऊंट चंद बकरियां और एक बांदी छोड़ी जिनकी कुत उम्मे एमन और नाम बरकत था दोस्तों यूं हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की विलादत से चंद माह पहले हो गया वे में मादर ही में यतीम हो गए और आपकी वालिदा, सैदा आमिना तहारत नफ्स शराफत इज्जत इफ्फत असमत और पाकबाजी में बेमिसाल थी अपनी कौम में तो नसा के लकब से मशहूर थी द और नन्हहाल दोनों के एतबार से आप अरब के बेहतरीन कबाइल और बेहतरीन कौम में से थीं वलादत बदत के बाद तीन चार दिन तक आपकी वालदा ने आपको दूध पिलाया फिर आपके चाबू की आजाद करदा कनीज सोबिया ने और फिर हलीमा सादिया ने दूध पिलाया दोस्तों आपको बताते चले कि अक्सर सीरत निगारों ने कनीज का नाम सोबिया ही लिखा है और दरअसल इसका नाम सोबिया ही था जिस तरह सही बुखारी और सीरत नगारी के आलमी मुकाबले में अव्वल आने वाली सीरत नबी पर मुस्तर किताब अर्रहीक उल मखतूब में मशकूर है कि दूध पिलाने की जिम्मेदारी माहिरबीव बावन कबल हिजरी यानी अप्रैल पाँच सौ इकहत्तर ईस्वी में सौंपी गई नबी करीम चूंकि यतीम थे इसलिए इनाम की उम्मीद कम थी इसलिए किसी औरत ने उनके घर की तरफ तोज्जो न दी आखिर जब रवानगी का वक्त आया तो हलीमा को खाली हाथ जाना बहुत नागवार गुजरा और अल्लाह ताला की तरफ से उनका दिल इस यतीम बच्चे की तरफ खिंचने लगा चुनाचे उन्होंने अपने शोहर हारिस से जाकर कहा अल्लाह की कसम मुझे ये अच्छा नहीं लगता की मेरी सारी सहेलियाँ तो बच्चे लेकर जाए और मैं अकेली कोई बच्चा लिए बगैर जाऊँ मैं जाकर इस यतीम बच्चे को ही ले आती हूँ शोहर ने यह सुनकर कहा कि कोई हर्ज नहीं मुमकिन है कि अल्लाह हमारे लिए उसमें बरकत अदा कर दे। इसके बाद उन्होंने जाकर बच्चे को ले लिया रवाना हुआ, सब सवार होकर चल पड़े हलीमा भी आपको लेकर चली हलीमा की ऊँटनी दुबली पतली देखने में मरियल और चलने में सबसे सुत रफ्तार थी लेकिन जू ही हलीमा साधिया आपको लेकर उस पर सवार हुई यका यक वो बक रफ्तार हो गई बाकी औरतों ने इस मंजर को हैरत से देखा की हलीमा साधिया की मरियल ऊँटनी

जब तक आप हलीमा सादिया के घर में रहे उनके घर बरकतों से माला माल रहा जिसका तस्करा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे याद रहे कि कुरान मजीद में अंबिया आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला ने आपको आलमीन कहा हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल जमा वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली वजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज अमान में रखे आमीन